अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्साइलिक एसिड। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 19 है। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन स्टार्ट की हुई है और ये फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्साइलिक एसिड। इसको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी कहा जाता है। जी, तो ये जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये कैसे होती है, इसके बारे में बता रहे हैं कि जब हम सोडियम या पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा कि सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसको जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी वाटर की मौजूदगी में जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म होती है, अल्कीन, यानी सोडियम या फिर पोटाशियम, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी एग्जांपल है सक्सीनिक एसिड। इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसकी मौजूदगी में, एक्वस सॉल्यूशन की मौजूदगी में, तो क्या चीज़ फॉर्म होती है जी, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये है जी सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें स्टूडेंट कि ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसी तरह ये है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये वाला। अब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, तो हम इसको कह सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चूंकि इसके साथ सोडियम साल्ट की फॉर्मेशन कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है, इसका नाम क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ सोडियम की जगह पे पोटाशियम लगा हो तो उसको फिर हम नाम क्या देंगे, पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको मैंने बता दिया सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब जब हम इस सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी इसकी आयनाइजेशन करते हैं इसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, तो ये क्या होंगे, आयन सेपरेट हो जाएंगे, यानी नेगेटिव आयन अलहदा हो जाएंगे और पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाएंगे। ये दो सोडियम अलहदा हो गए और नेगेटिव आयन जो है वो अलहदा हो गए। आगे बड़ा सिंपल सा मेथड जो कि हमने एल्केन्स के अंदर भी किया था कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। जैसा कि आपको मालूम है एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो उसमें से इन दोनों में से कौन से आयन जाएंगे, नेगेटिव। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, उसमें से कौन से आयन जाएंगे, पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन कौन सा होगा। ये देखें जी, ये आपके पास नेगेटिव आयन थे, ये सी डबल ओ कार्बोक्साइल आयन है, इनमें से दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ये इसके ऊपर फ्री रेडिकल। देखें बच्चे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब नेगेटिव में दो ऑक्सीजन। इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज में भी दो दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, अब एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास बच गए, वो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ फ्री रेडिकल की फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन आ गई। मैं दोबारा बात रिपीट कर दूँ कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह इस ऑक्सीजन पर भी जो नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में आपको यहाँ नजर आ रहा है। और दूसरे स्टेप पर रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल। अब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल का मैकेनिज्म क्या है, देखें ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस पे, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से बॉन्ड होगा स्प्लिट, ये यहाँ से, और एक आपको बताया हुआ है कि बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, अब इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप समझ, उम्मीद है आपको आ गया होगा कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा,
कि अब यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ से भी बाउंड ब्रेकेज होगी और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से। अब देखें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो बाउंड बन जाएगा, ये डबल बाउंड। ये पूरा अल्कीन, ये सारे का सारा जो है अल्कीन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारे का सारा अल्कीन यहाँ से रिमूव होकर ये अल्कीन आ गया। और उसके बाद ये देखिए जी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इस बाउंड से बच रहा था, दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन बाउंड बन के यहाँ बाउंड बना देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मालिक्यूल। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल ये वाला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल ये वाला, ये दोनों रिमूव होंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और ये एक अल्कीन जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। ये देखें, यही हमारा टॉपिक था कि अल्कीन की फॉर्मेशन हमने किस तरह करनी है। लेकिन अभी ये रिएक्शन जो है वो एनोड पे हुआ है। अभी ये रिएक्शन कहाँ हुआ है, एनोड पे। अभी आपका कैथोड, अब कैथोड पे हमने देखना है क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो आयन है वो एनोड पे आए थे। अब पॉजिटिव जो आपके पास सोडियम आयन था वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले वाटर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये कौन से दो इलेक्ट्रॉन है जो एनोड पे रिलीज हुए थे, लॉस्ट हुए थे, तो हाइड्रोक्साइल ये आयन बना देगा। और ये आयन 2OH नेगेटिव आयन और 2Na पॉजिटिव आयन, ये Na पॉजिटिव अगर आप स्टार्ट में बिल्कुल देखें तो हमने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अलग अलग हो गए थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देंगे। तो ये हमारा रिएक्चर था जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सैलिक एसिड। साल्ट सोडियम का भी हो सकता है और पोटाशियम का भी। हमने इस एग्जांपल के अंदर कौन सा साल्ट यूज किया, सोडियम का साल्ट यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपका जो अल्कीन का फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो यहाँ से एंड हो जाता है। कल इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।